आज हम लोग बनाएंगे चना दाल आलू की सब्ज़ी, जो बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रगति। जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जो लोग देखते हैं थैंक यू सो मच। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले अदरक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे और टमाटर डालेंगे। उसको सबको ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। फिर गरम मसाला डालेंगे। तो उसके लिए लेंगे जीरा, गोलकी, लौंग, फिर डालेंगे तेज़पत्ता और दालचीनी, फिर प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे, फिर बारीक कटा हुआ आलू, फिर रात भर भिगाया हुआ चना। ये सब तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम लो मीडियम रहेगा। अब कुकिंग ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल, उसमें डालेंगे हींग, हाफ स्पून हींग। चना दाल, जब भी कोई भी चीज़ चना दाल का बनाया ना, तो उसमें हींग ज़रूर ऐड करेंगे, उसमें पचने में अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। फिर डालेंगे तेज़पत्ता और जितना गरम मसाला था वो सब, और अच्छे से चटकने देंगे। हल्का सा चटक जाएगा तो फिर प्याज डालेंगे। और चला लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। प्याज जब भुन जाता है ना, तो तेल खुद छोड़ने लग जाता है। तब जितना भी ग्राइंड किया हुआ था मसाला वो डाल देंगे, अदरक लहसुन टमाटर और मिर्च का। और अच्छे से चला लेंगे 10-20 सेकंड तक के लिए। फिर उसमें हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। जब टमाटर डालते हैं ना, तो नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद, क्योंकि वो जल्दी पकता है और पानी जल्दी छोड़ता है। फिर उसको चला लेंगे, फिर टाइम देंगे 10 सेकंड का। 10 सेकंड हो जाएगा, फिर काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तुरंत तुरंत नहीं, धीरे धीरे करके भी डाल सकते हैं, एक बार भी डाल सकते हैं। फिर चला लेंगे। अच्छे से देखिए भुन गया, तो फिर ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। आप लोगों के पास पाउडर नहीं भी है तो ये भी डाल सकते हैं दर्रा करके। फिर उसके बाद मिक्स मसाला डालेंगे, उसको भी चला लेंगे। कम तेल मसाला में बहुत अच्छा बनने वाला सब्ज़ी है। देखिए ज़्यादा मसाला का ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत कम टाइम में भी बन जाता है। घर में अगर कोई सब्ज़ी ना हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये ज़रूर बनाइए। कितना अच्छा, देखिए लाल हो गया है मसाला, तेल छोड़ने लग गया है। तो फिर आलू डाल देंगे और इसको चला लेंगे 20-30 सेकंड के लिए। चला के छोड़ देंगे। फिर चना दाल डाल देंगे भिगोया हुआ। आप लोग ओवरनाइट नहीं तो 4-5 घंटा के लिए भी छोड़ सकते हैं, अच्छे से फूल जाता है। और इसको भी चला लेंगे। कुछ देर के लिए भूनेंगे हल्का हल्का। जब आलू ये हो जाता है, सिझ जाता है, तो उसके बाद फिर पानी डाल देंगे। आप लोग जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिएगा। फिर ऊपर से हल्का गरम मसाला डाल देंगे, ऑप्शनल है, आप लोग अगर खाइएगा तो गरम मसाला डाल सकते हैं, इसके बिना भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और फिर कवर कर देंगे कुकर को और 2 विसिल लगाएंगे। फ्लेम लो मीडियम रहेगा। हाँ,
देखिए कितना सुंदर कितना अच्छा दिख रहा है सब्जी, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत कम टाइम पे बनने वाला सब्जी है और बहुत हेल्दी भी है, सबको अच्छा लगेगा। तो बना के ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। आप लोग इसको रोटी में, चावल में, रात के डिनर में कभी भी खा सकते हैं। तो मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपीज़ क्या बनाए। और जो भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप लोग मेरे को सुझाव भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से सब्जी सीज गया है। हम दोपहर के टाइम बनाए थे तो चावल के टाइम बहुत टेस्टी लगता है, सिर्फ चावल के साथ ही खा लीजिएगा, दाल का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।